ये हमने एक पीस चिकन लिया है, तकरीबन 1 किलो है, और इसको हम बड़े बड़े पीस में कट करेंगे। तो इसको इस तरह कट करके और हम इस तरह से इसमें कट लगाएंगे। तो हमने जितने बड़े पीस कट किए हैं इसी तरह से हम चिकन के बीच में कट लगा के और फिर इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो ये हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके अंदर के पीस भी हमने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और अब हम इसमें ये विनीगर ऐड कर रहे हैं, 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून नमक अभी इन्हें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड करेंगे। और 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 बड़े स्पून हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी ऐड कर रहे हैं और 1 टेबल स्पून गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। तो हमने चिकन और मसाले मिक्स कर दिए हैं, अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अब हम इसको ओवन की ट्रे में रखेंगे। और ये हमने इस तरह से इसे पूरे ओवन के ट्रे में रख दिया है, अब हम इसको ओवन में रखेंगे। तो ये एक तरफ से सिक चुका है और अब हम इसको पलट कर दूसरी तरफ से सेकेंगे।
थोड़ा ऑयल ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसको ओवन में रखेंगे। तो चिकन को हमने दोनों तरफ से सेक कर तैयार कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे सिके हैं। चिकन को हमने प्लेट में निकाल लिया है और सलाद लिए हैं। अब हम अंदर से दिखाते कैसा हुआ है। तो ये देखिए अंदर से ये बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छे से सिका है ये, देखिए बहुत ही अमेजिंग बना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।